आपके सामने हैं फ्लैट वर्म्स यानी चपटे हुए कीड़े मकोड़े, है ना। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से बिलोंग करते हैं। इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, इनके पैरासिटिक अडैप्टेशंस, वे सब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल बायोलॉजिकल अड्डा में, और मैं हूँ कल्पना मिश्रा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर फ्लैट वर्म्स के साथ में और फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, अ न्यू फाइलम। तो इसमें क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थेस और फ्लैटवर्म्स में जितने भी एनिमल्स आएंगे उनकी बॉडी कैसी होगी, डॉर्सी वेंट्रल फ्लैट होगी, ठीक है, डॉर्सी वेंट्रल होगी बॉडी इनकी। और इसमें कुछ तो फ्री लिविंग होंगे और कुछ एनिमल्स क्या होंगे, पैरासिटिक होंगे। जो पैरासिटिक होंगे उनमें हमें अब क्या देखना है, पैरासिटिक अडैप्टेशंस। पैरासिटिक होने के लिए उन्होंने अपने आप को कैसे अडॉप्ट किया है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी फाइलम किए थे वो फाइलम कैसे थे, वो सभी फाइलम आपके एक्वाटिक थे। जितने भी एनिमल किए थे वो सभी एक्वाटिक थे। अब एनिमल क्या है, पानी से बाहर आकर के कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी से भी बाहर आके इन्होंने कोई बहुत अच्छा सर्वाइवल नहीं चुना। इन्होंने क्या चुना, किसी दूसरे एनिमल की बॉडी, ठीक है। तो पैरासिटिक हो गए, कुछ अभी भी एक्वाटिक होंगे। तो इन्हें डिटेल में स्टडी करेंगे हम इस लेक्चर में, और स्टार्ट करते हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में। इन्हें क्या है इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लेटीहेल्मिन्थेस, इट कंप्राइजेस फ्लैट वर्म्स। इसमें जितने भी वर्म्स आएंगे, इसमें वर्म्स आते हैं, इस प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या आते हैं, वर्म्स आते हैं। और ये कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। फ्लैट जैसे आपने रिबन देखा होगा घर में, जो गर्ल्स हेयर को टाई करने के लिए यूज करती हैं, या जो मम्मी लोग मेजर करने के लिए वो रिबन लाइक मेजरमेंट के लिए यूज करती हैं, वो हो गया। तो इस तरह के एनिमल्स होते हैं इसमें, ठीक है। या कुछ ऐसे भी होंगे जो दिखने में एकदम सूखी हुई लीफ जो होती है उसके जैसे दिखेंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, फर्स्ट फाइलम ऐसा है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि इसमें तीनों जर्म लेयर होंगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म, एक्सोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, तीनों ही जर्म लेयर प्रेजेंट होंगी, तो ये क्या होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, क्लियर। बाइलेटरल सिमेट्री होगी इसकी, यानी कि कोई एक ऐसा ही, एक ही प्लानर ऐसा होगा जहां से कट करने पे ये दो इक्वल हाल्स में डिवाइड होगा और दो मिरर हाल्स में डिवाइड होगा, ठीक है। असीलोमेट होगा, सीलोम अभी भी नहीं बनी है एनिमल्स में, असीलोमेट है, सीलोम नहीं है। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड वर्म्स, मोस्टली पैरासिटिक, सम फ्री लिविंग, ठीक है। तीन क्लासेस हम इसमें स्टडी करेंगे। उन तीन क्लासेस में से दो क्लासेस हमारी पैरासिटिक एनिमल्स की होंगी और सिर्फ एक क्लास ऐसी है जिसमें फ्री लिविंग एनिमल्स आएंगे। तो मोस्टली कैसे हैं, पैरासिटिक हैं और कुछ ही फ्री लिविंग हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ पे ऑर्गन फॉर्म होना स्टार्ट हो चुके हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्गन्स बन रहे हैं, टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। बॉडी अनसेगमेंटेड या सेगमेंटेड दोनों टाइप की हो सकती है। अनसेगमेंटेड बॉडी किसकी है, प्लानेरिया की है, फैसियोला की है, और सेगमेंटेड बॉडी किसकी है, टीनिया की है। ऊपर एक बार जो डायग्राम था उसे हम फिर से देख लेते हैं। ये देखिए, पहला वाला क्या है आपका, प्लेनेरिया। कहीं से कोई सेगमेंट इसकी बॉडी पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अनसेगमेंटेड है। ये क्या है, फैसियोला हिपेटिका। इसकी बॉडी पे कोई भी सेगमेंट दिख रहा है, कहीं से भी इस तरह से बॉडी डिवाइडेड दिख रही है, नहीं, तो ये भी अनसेगमेंटेड है। यहां पर देखिए, ये देखिए, ये देखिए, छोटे छोटे से फ्रैक्शंस दिख रहे हैं यहां पर, ठीक है, छोटे छोटे फ्रैक्शन दिख रहे हैं यहाँ, यहां से ऐसे लग रहा है जैसे ये छोटा सा टुकड़ा अलग से ऐड किया है,
ये टुकड़ा अलग से और ये अलग से, इस तरह से बस छोटे 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 सारे टुकड़े जुड़ करके ये इतना बड़ा एनिमल बन गया। ये क्या है? टीनिया और टेपवॉर्म। तो ये इसकी बॉडी कैसी है? सेगमेंटेड है। बॉडी सेगमेंटेड या अनसेगमेंटेड दोनों टाइप की हो सकती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर प्रेजेंट। अभी बोला टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मींस ऑर्गन फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी होगा, एक्सक्रीटरी भी होगा, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम डिटेल में करेंगे इसे। नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम सभी प्रेजेंट है इसमें। एनस इज एब्सेंट। अगर एनस एब्सेंट है तो एक ही ओपनिंग होगी बॉडी में, माउथ, वहीं से एक्सक्रीट करना होगा इसे, वहीं से इंजेक्शन करना होगा। तो बॉडी प्लान कैसा हो गया? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान हो गया। ठीक है, एक अंधेरा कुआं है, ठीक है, ब्लाइंड सैक है जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग है, दूसरी कोई भी ओपनिंग नहीं होगी इसमें। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनरली इस जीनस से अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन आना ही आना है, ठीक है, इस फाइलम से। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसका प्रोटोनेफ्रेडिया है और सोलेनोसाइट भी उसे बोलते हैं और फ्लेम सेल्स बोलते हैं। इसका डायग्राम मैंने ऊपर ऐड किया हुआ था, आपने 2-3 बार देखा होगा जब मैंने ऊपर नीचे किया इसे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखे। ये इसका प्रोटोनिफ्रेडिया और फ्लेम सेल है, ठीक है। ये बहुत सारी फ्लेम सेल्स इसकी बॉडी में होती हैं, यही इसके लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। न्यूक्लियस है इसमें, क्योंकि सेल है तो न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, और जिसकी साइटोप्लाज्म है उसमें स्यूडोपोडिया फॉर्म करने की कैपेसिटी होती है, इस तरह से स्यूडोपोडिया बना लेता है जिसके थ्रू ये चीजों को कैप्चर करता है। ग्लोब्यूल्स ऑफ एक्सक्रीशन है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो इसके अंदर कैप्चर हो गया है और उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। बेसल ग्रेन्यूल्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव ग्रेन्यूल्स होते हैं जो छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। फ्लेम सेल्स, सेल ल्यूमेन, खाली स्पेस जो होता है उसे हम ल्यूमेन बोलते हैं। सीलियरी फ्लेम, सीलिया है, ये जो हमारी बेसल ग्रेन्यूल्स हैं, ये किससे जुड़ी हुई है? सीलियरी फ्लेम से। टर्मिनेशन ऑफ कैपिलरी डक्ट, ठीक है, क्लियर है आपको। फ्लेम सेल कैसी होती है? दिखने में भी कुछ ऐसी लग रही है जैसे फ्लेम है, आग है ना, जलती हुई कैंडल या आग जलती हुई ऐसी तो दिखती है, इसलिए हम इनको फ्लेम सेल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा? रेस्पिरेशन कैसा होता है? एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों टाइप का होता है। चूंकि ये कैसे एनिमल्स हैं? मोस्टली पैरासिटिक हैं, तो पैरासिटिक एनिमल्स में रेस्पिरेशन एनारोबिक टाइप का होता है। एरोबिक एंड एनारोबिक टाइप क्या हो गया? एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जब बॉडी के अंदर कोई एनिमल है या पैरासिटिक स्टेज में है तो वो ऑलरेडी न्यूट्रिशन ले रहा है, उसे अब बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, और उसे अंदर ऑक्सीजन मिलेगी कहाँ से? बॉडी के अंदर उसे ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? ऑक्सीजन तो एयर में है, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लेता है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है सिफेलाइजेशन। सिफेलाइजेशन क्या होता है? सिफेलाइजेशन यानी हेड फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, हेड बनना इसमें स्टार्ट हो गया अलग से। हेड क्या है या सिफेलाइजेशन क्या है? हम लोग हेड पर क्या होता है? मैक्सिमम सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जिनसे हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं, ठीक है। अ हेड कंटेन्स मैक्सिमम सेंसरी ऑर्गन विच आर यूज्ड फॉर द सेंस अवर एनवायरनमेंट, है ना। तो इसमें भी सिफिलाइजेशन स्टार्ट हो गया है, यानी अपने एनवायरनमेंट को सेंस करने के लिए सेंसरी ऑर्गन वहां पे प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। फ्लैट वर्म में ये स्टार्ट ही हुआ है। एक बार हम इसका प्लेनेरिया का डायग्राम देखते हैं डिटेल में, थोड़ा सा ये देखिए, ऐसे नहीं लग रहा यहाँ पर ये हेड सा बनना स्टार्ट हो गया है, ये स्ट्रक्चर हेड जैसा नहीं लग रहा, और ये आईज नहीं लग रहा है, ये एक्चुअली आई नहीं है, ये आई स्पॉट है,
ठीक है, ये आईज प्रॉपर आईज नहीं है, इट कैन नॉट सी एनीथिंग, ये देख नहीं सकता कुछ भी, बट इट कैन सेंस ब्राइटनेस एंड डार्कनेस, ठीक है, ये अंधेरा और उजाला डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि लाइट ज्यादा है अभी मेरे आसपास या अंधेरा है, लाइट कम है मेरे आसपास, बस इतना ही ये सेंस कर सकता है, सिर्फ इसमें आई स्पॉट्स बने हैं, इट कैन नॉट सी एनीथिंग, ठीक है, लेकिन सिफिलाइजेशन स्टार्ट हो गया, ब्रेन फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, इसमें ब्रेन बनना स्टार्ट हो गया, हेड बनना स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट है सकर्स, अब मैंने बताया ये क्या है, पैरासिटिक है मोस्टली, तो पैरासिटिक एडाप्टेशन भी तो कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसे तो पैरासिटिक हो नहीं जाएंगे, हमारे इंटेस्टाइन में जाकर के बैठ गए, लेकिन बैठे कैसे रहोगे, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है इस तरह का, है ना, जिसके थ्रू खाना नीचे की तरफ ही जाता है, हमने डाइजेशन में देखा होगा कि खाना हमेशा नीचे की तरफ ही क्यों जाता है, क्यों, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, तो अगर ये हमारी इंटेस्टाइन में घुस भी गए तो क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के साथ नीचे चले जाएंगे, तो इनको वहां रुकना होगा, रुकने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उन्हें सक भी करना होगा, तो उसके लिए इनमें कुछ एडाप्टेशंस होंगे, वो एडाप्टेशंस क्या होते हैं, सकर्स होते हैं, सक करने के लिए पचा पचाया खाना इनको खाना है, उसको सक कर लेना है, उसके लिए सकर्स हैं, हुक्स हैं, अब भाई लटकना भी तो है इसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के अगेंस्ट, अपने आप को रोक के रखना है उसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के अगेंस्ट अपने आप को चिपका के रखना है, कैसे चिपका लेंगे, हुक, हुक लगा देंगे और चिपक जाएंगे हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, स्पाइन्स होंगे, कांटे चुभा देंगे, मे बी डेवलप्ड फॉर अटैचमेंट, ठीक है, चिपकने के लिए जुड़ जाते हैं ये होते हैं इनमें। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम, अभी तक नर्वस सिस्टम कोई भी डेवलप्ड नहीं था, हेड फॉर्मेशन भी नहीं स्टार्ट हो रहा था किसी भी फाइलम में, जो अभी तक हमने किए जो लोअर फाइलम्स थे उनमें किसी में भी नर्वस सिस्टम जैसा कोई नाम नहीं आया था, नर्व सेल थे सीलेंट्रेट्स में, इवन ओबेलिया ऑरेलिया में नर्व नेट फॉर्म होना स्टार्ट हो गया था, बट नर्वस सिस्टम किसी में भी नहीं था। यहाँ पर क्या है, एंटीरियर सिचुएटेड गैंग्लियन, एंटीरियर आगे वाले पार्ट में, हेड वाले फॉर्म में क्या है, गैंग्लियन है, गैंग्लियन क्या होता है, गुच्छा, नर्व्स का गुच्छा होता है, ठीक है, एक साथ नर्व्स आके वहां पे एंड हो रही है, बहुत सारी इकट्ठी हो रही है, उसे नर्व गैंग्लियन बोलेंगे, एंटीरियरली सिचुएटेड गैंग्लियन है, एंड नर्व कॉर्ड्स है पूरी बॉडी में, जो नर्व कॉर्ड्स है इसकी, ठीक है, तो इसमें नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड तो नहीं, क्योंकि हेड नहीं है इसके अंदर, नर्व गैंग्लियंस हैं, तो नर्वस सिस्टम डेवलप हो गया है, सेंस ऑर्गन्स हैं, वेल डेवलप्ड इन फ्री लिविंग फॉर्म्स लाइक प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में क्या है, सेंस ऑर्गन डेवलप्ड हैं, रिप्रोडक्शन कैसा होता होगा इसमें या किस टाइप से होता होगा, ये कैसे होते हैं, मोनोसियस होते हैं और हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल इन वन बॉडी एक ही के अंदर होते हैं, मेल एंड फीमेल अलग अलग एनिमल में नहीं होते हैं, लाइफ साइकिल कॉम्प्लिकेटेड विद मेनी लार्वल स्टेजेस इसमें बहुत सारी होती हैं, मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, ठीक है, वो जब हम लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे टीनिया की एंड फेसियोला की, तो उसमें हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा और हमें सारी लार्वल स्टेजेस लर्न भी हो जाएंगी, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जनरली ये डायजेनेटिक भी होते हैं, तो सब वहां पे हमारा क्लियर होगा जब हम इसकी लाइफ साइकिल करेंगे। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लैट वर्म्स इज बेस्ड ऑन मोड ऑफ लाइफ, कि किस तरह की लाइफ है, फ्री लिविंग है और पैरासिटिक है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, क्योंकि अगर फ्री लिविंग होगी तो इसे डाइजेस्ट करके न्यूट्रिएंट्स लेने की जरूरत पड़ेगी, तो फ्री लिविंग में कैसी होगी, डाइजेस्टिव ट्रैक होगा, लेकिन अगर कोई पैरासाइट है तो उसे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्या, डाइजेस्ट करने की फूड को, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो वो पचे पचाए ले रहा है ना, डाइजेस्ट किए हुए ले रहा है ऑलरेडी, तो उसमें डाइजेस्टिव ट्रैक एब्सेंट होगा। सीलिया ऑन द बॉडी,
सी लिया, अगर वो फ्री लिविंग है तो मूव करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो इट मे बी पॉसिबल कि सीलिया प्रेजेंट हो बॉडी पे, और जो जिनको रिक्वायरमेंट नहीं है उनमें सीलिया नहीं होंगे। तो इन सब बेसिस पे हम डिवीजन करते हैं, तीन क्लासेस को हम स्टडी करेंगे। फिलहाल यहाँ पे तीन ग्रुप लिखे हुए हैं मैंने, फ्री लिविंग ग्रुप। फ्री लिविंग में क्या आते हैं, जो आते हैं उन्हें हम बोलते हैं फ्लैट वर्म्स, ठीक है। फ्री लिविंग में आते हैं फ्लैट वर्म्स, प्लानेरिया, अभी हमने इससे जस्ट ऊपर प्लानेरिया का ही डायग्राम देखा था, ये फ्री लिविंग होता है, ये वाला जो एनिमल है ये कैसा होता है, फ्री लिविंग होता है प्लानेरिया। और ये कौन सी क्लास में आता है, टर्बुलेरिया, किस क्लास में आता है, टर्बुलेरिया। नेक्स्ट है पैरासिटिक फ्लूक्स, पैरासिटिक फ्लूक्स, फ्लूक्स बोलते हैं इन्हें, ठीक है। दो टाइप के पैरासिटिक ग्रुप्स हैं, एक को हम फ्लूक्स बोलते हैं और दूसरे को हम टेप वर्म्स बोलते हैं। जो फ्लूक्स हैं वो कौन से हैं, फैसियोला, फैसियोला हेपेटिका, साइसोस्टोमा, ठीक है। ये किस क्लास में आते हैं, ट्रीमेटोडा क्लास, ट्रीमेटोडा में आते हैं ये। और जो टेप वर्म्स हैं ये भी पैरासिटिक हैं, इसका एग्जांपल है टीनिया, टीलियम, टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनाटा, ये सब हम देखेंगे। क्लास सेस्टोडा में आते हैं ये, इनका क्लास क्या है, सेस्टोडा। और स्टडी ऑफ वर्म्स, वर्म्स कोई भी हो, फ्लैट हो या राउंड हो, ठीक है, वर्म कोई भी हो, फ्लैट हो या राउंड हो, सभी के स्टडी को हम बोलेंगे हेलमिंथोलॉजी, क्योंकि अगला वाला जो फाइलम है हमारा इसके हेलमिंथिस, उसमें आते हैं राउंड वर्म्स, उनकी स्टडी प्लस प्लेटी हेलमिंथिस की स्टडी, दोनों को ही हेलमिंथोलॉजी बोलेंगे। क्लियर है यहाँ पर। अब इसमें हमारे एग्जाम में आने वाला कौन कौन सा है, फैसियोला हेपेटिका इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि हमारे सिलेबस में गिवन है, प्लस सेस्टोडा यानी कि टीनिया, टीनिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला है। ये तो इन दोनों के लाइफ साइकिल प्लस बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, एडाप्टेशन फॉर द पैरासिटिक लाइफ, ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब हम फैसियोला करेंगे, उसके बाद हम टीनिया कंप्लीट करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए, और अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना एग्जिट नहीं करेंगे आप। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे कि कौन सा वीडियो आ रहा है, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए और आपकी स्टडी कंटिन्यूअस रहे। तो तब तक के लिए फिर बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।